क्या हाल है भाई साहब, क्या हाल चल सबके और संगा सब? जी भाई साहब, भाई को अभी छोड़ के आऊंगा एक बार बस स्टैंड पे, फिर मेरे को भाई शादी में जाना है। ये साइड हो जा, पटक देंगे फटाफट दूसरी पार्टी मार देती है। हेलो गाइस, मैं अनुज कुमार, स्वागत है आपका मेरे इस नए ब्लॉग में। तो अभी हम आए हैं अंकुर चतुष्करण के घर, वो भी मतलब कि इंटरव्यू लेने आए थे, जैसा कि आप लोगों ने इंटरव्यू देख लिया है। एंड अभी उन्हीं के घर में, तो थोड़ा नीचे गए हैं गाड़ी उड़ी लेने, क्योंकि अभी हमको जाना है गुरुग्राम, तो सोनीपत हम आए थे इंटरव्यू लेने। एंड अब इतनी दूर आए हैं, तो गुरुग्राम से एंड सोनीपत पड़ता है शायद 150 किलोमीटर, जिस हिसाब से मैं आया हूँ उस हिसाब से 150 किलोमीटर पड़ता है। तो अभी आएंगे एंड सर हमको छोड़ने जाएंगे, तो देखना कितनी दिक्कत प्रॉब्लम होता है जाते टाइम, क्योंकि आते टाइम तो उससे 3 गुना दिक्कत थी, क्योंकि मैं अकेले आया था और मुझे रास्ता इतना कन्फर्म नहीं था और मालूम भी नहीं था। एंड अब छोड़ने जाएंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा रास्ता, एंड प्रॉब्लम तो भाई बहुत हुई है आते वक्त। एंड जब हमें इंटरव्यू लिया उससे पहले, जब हम मिले अंकुर चतुष्करण सर जी से शुरू, तो उन्होंने अच्छा सा मतलब स्वागत किया, मतलब कि मैं सोचा नहीं था कि इतने अच्छे से करेंगे। पहले जूस पिलाया उन्होंने एंड फिर उसके बाद इंटरव्यू लेते टाइम नाश्ता नीचे से आ गया, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, शायद आ गया होगा उसमें वीडियो में। तो एंड अब हम लोगों को जा रहे हैं छोड़ने। भाई स्वागत तो बहुत तगड़े लेवल से किया, हम सोच नहीं सकते थे कभी कि इतने मिलियन वाले सब्सक्राइबर्स, इतने छोटे से गांव से मैं उठ के आऊँगा और इतने बड़े यूट्यूबर से मिलूँगा, मिलियन वाले यूट्यूबर से, और ये नहीं सोचा था कि मिल ही लूँगा, कन्फर्म नहीं था। एंड फाइनली मैं मिला एंड अच्छा से ट्रीट किए, एंड ये मैं नहीं सोचा था कि उनके घर में जाकर मिलूँगा, ये भी नहीं सोचा था, बस ये सोचा था कि हाँ मिलूँगा बाहर ही कहीं। तो घर आया मैं बहुत क्या बताऊँ, मैं बहुत खुशकिस्मत ही मानूंगा, क्योंकि हर कोई नहीं मिल पाता इतने बड़े बड़े यूट्यूबर से। एंड बढ़िया इंटरव्यू गया है और अच्छे स्ट्रीट किए, तो फिलहाल अभी हम लोग चलते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। तो फाइनली सर के हम कार में बैठ चुके हैं एंड हमारे साथ हैं ये भाई साहब एंड सर जी, ये इधर है। क्या हाल है भाई साहब, क्या हाल चल सबके और संगा सब? जी भाई साहब, भाई को अभी छोड़ के आऊँगा एक बार बस स्टैंड पे, फिर मेरे को भाई शादी में जाना है, तो अभी निकल रहे हो भाई एनवलप लेने गया, वो जिसमें थोड़ा पैसों की संख्या डालते हैं उसमें। ये यीशु भाई अपन ने, यीशु भाई अपन ले भाई, धर ले पीछे धर ले। तो मैं पहली बार फॉर्च्यूनर में बैठा हूँ, ये भी एक है सर। अच्छा, आपकी वजह से हो पाया है यार, कोई नहीं कोई नहीं, हमारे तरफ तो स्पोर्ट टेंशन मतलब, बस काम पे ध्यान दो, काम को खींच के लिए करते रहोगे तो आगे बढ़ोगे, शर्माना नहीं काम करते हो कभी भी, रोकेगा टोकेगा जवाब दे दियो, ठीक है ना, घबराना मत बस। पहली बार बैठे फॉर्च्यूनर में ना, वो भी आपकी वजह से सक्सेस हो पाया। अरे कोई नहीं, एंड कभी सोचा नहीं था मैं कि ऐसा होगा। अरे कार में बैठे मेहनत करोगे ना जी, तो ये फॉर्च्यूनर भी भगवान आपको दिलाएगा जी। मेहनत मैंने कभी सोचा ही नहीं था, मैं मतलब 50,000 रुपए महीना कमा सकता हूँ, मैं 15-20,000 रुपए कमा लूँ बस उसमें घर चल जाऊंगा। लेकिन भाई आज का टाइम ऐसा, अगर आप लोग 2 लाख भी कमा रहे हो ना, वो भी कम है, बस अपना काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ये साइड हो जा, पटक देंगे। अभी एक्सपोज यही बसर कर देते नहीं, एक्सपोज हमारे हरियाणा में एक्सपोज नहीं चलता, फटाफट दूसरी पार्टी मार देती है। मुझे तो मुझे यहीं पे डर लगा करते ना, यहाँ पे हरियाणी जो यूपी की लैंग्वेज, यहाँ पे ना आप चोरी चकारी से बच जाओगे लेकिन लट से नहीं बच सकते अगर आप लोग, ठीक है समझ रहे हो, दिल्ली में आप लोगों को भाई चोरी चकारी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हरियाणा में ऐसे डरने वाली कोई बात नहीं है। हरियाणा एक मतलब बहुत अच्छे, वो बोलते ना प्यार से बोलोगे तो जाने भी दे हरियाणा वाले, अगर गुस्से से बोलोगे तो फिर लठ ही लठ मिलेंगे, मतलब तो सोड़ ही बरतेंगे। तो ये रियलिटी है भाई, ये मजाक नहीं है ना, ये कहावत है हमारे हरियाणा की, ये सच्चाई है। दिल्ली में जाओगे, दिल्ली में मिलेंगे चोर नशेड़ी ये लोग, चलो फिर ये बिल्कुल। यूपी की भाषा कुछ अलग रहती है लैंग्वेज, एंड यहाँ के हरियाणा की ऐसी भाषा रहती है एकदम खड़ी खड़ी, कि अगर यूपी के बंदा यहाँ पे खड़ा, अगर हरियाणा में बहुत तरीके की लैंग्वेज है, ऐसी बात नहीं है। अभी जैसे ये आप प्योर हरियाणवी लैंग्वेज, मतलब जहाँ हो ना आप, एक यहाँ पर अब रोज तक जाएगा ना, जहाँ तू जहाँ तक बस पकड़े गुड़गांवगी, वो भी ये दो एक सी भाषा वाले, सोनीपत गोहाना रोहतक, ये तीन जो है ना शहर, ये मतलब मेन से बच के चलो, मेन वो है, मेन मतलब जो प्योर हरियाणवी बोली जाती है यहाँ बोली जाती है। अगर यूपी के बंदा यहाँ पे खड़ा हो जाए, कोई हरियाणवी बोल दे, थोड़ा से बोल दे कोई चीज, नमस्ते करेगा वो, नहीं वैसे भी डर जाए। नहीं वैसे भी डर, यूपी यूपी के नहीं, देखो यूपी की भी जो आपकी जो आप जिस तरफ के आप हो ना,
उस तरफ की फिर भी मतलब थोड़ा चेंज है, जो आसपास जैसे नियर बाय नोएडा हो गया, ये ग्रेटर नोएडा हो गया, तो ये सब है ना जो ये मतलब फिर भी वो है कि मतलब समझ लिया, हरियाणवी टच है इनका, यहाँ की लैंग्वेज ऐसे कि मतलब कोई हड़क रहा हो जैसे डरावनी टाइप की, हाँ धमकाने लग रहा, जब भी ऐसा कुछ नहीं है, हम प्यार से ही मांगे अगर तो तीन सौ बहुत भारी इधर हुक्का बहुत चलता है ना इधर बहुत लोग, हाँ हमारे यहाँ समुद्र की निशानी है, शान है यही से पता लगता है कि हरियाणा कुछ कहना चाह रहे हैं, ओके की पहचान नहीं भाई, जो का पीता होगा ना ये निशान मिलेगा उसके हाथ में, हम नहीं रंगे हाथ पकड़ सकते हैं, हम कुछ नहीं करते, सभी को बना होता है ऐसा, ये जो पीता है ये फेमस दुकान, देखो ये दी भाई ओके ओके भी करोगे यहां पर ये गाड़ी की देखो ले लो भाई कितने लेने हैं तुमने, मैं हुक्का एक बार लूंगा अगर कहीं मिल गया तो, क्योंकि हुक्का यहाँ पे ना गलत चीज नहीं, बाकी पीना है लगाना तो एक बार पूछ के पीना, वीडियो लेने बोल रहा हूं ऐसे दूर से, वीडियो तो ठीक है लेकिन पीना पड़ा ना पूछ के पीना, बस स्टैंड पे छोड़ देना, पहली बार पियोगा ना बेहोश पियूंगा नहीं, मैं बोल रहा हूँ की ऐसा वीडियो ले लूंगा जब कोई पिएगा, क्योंकि अगर आप हरियाणा आते हैं जहाँ से हुक्का आपको दिख गया पीते हुए समझ लो हरियाणा शुरू हो गया, ऐसी बात नहीं, यूपी की तरफ भी पीते हैं लेकिन वहाँ अलग तरीके के हुक्के मिलेंगे, जो ये पकड़ने वाली नाली होती है ना वो लंबी होती है उनकी, यहाँ बूढ़े बूढ़े लोग पीते हैं, ठीक है ना, अब नमस्ते करते सबको, सभी बस स्टैंड आ जाएगा, हाँ तो अभी हम लोग बस अलविदा कर दे, देन फिर उसके बाद शायद अगर टाइम मिला तो ठीक है, और पहुंचने के बाद फोन कर दीजिए, किसी से ज्यादा मतलब बोल किसी की बात तो मताना रास्ते में, ठीक तो सर जा रहे हैं बस अड्डा पे छोड़ दिया यहीं पे, एंड हमारे सर चले गए हैं, तो अभी हमारे मोबाइल में वो डाटा भेज देंगे जो डाटा होगा इनका, फिलहाल अभी हम लोग बस पकड़ते हैं निकलते हैं गुरुग्राम के लिए, बता दो कि मैंने पकड़ा था गुरुग्राम के लिए बस, लेकिन गुरुग्राम डायरेक्ट गुरुग्राम की वहाँ से ना मिलती, तो मैंने पकड़ लिया रोहतक की बस, मतलब वहाँ से रोहतक तक जाने के लिए, फिर वहाँ से मैंने चेंज किया गुरुग्राम के लिए कि हाँ गुरुग्राम ये बस छोड़ देगी हमें, तो उसने क्या किया हमको दिल्ली में छोड़ दिया, अब मुझे भी इतना नहीं मालूम था कि भाई ये किधर जा रही है, उन्होंने सोचा कि यहाँ गुरुग्राम के लिए टिकट काटा है वही छोड़ देगा, तो यार मैं बताऊँ ना दिल्ली में छोड़ दिया, वहाँ से 45 किलोमीटर गुरुग्राम पड़ता है, तो इतना शाम हो रहा था 11:30 बज गए थे जब मुझको दिल्ली में छोड़ा था, तो मैंने वहाँ से मेट्रो पकड़ा, मेट्रो मैंने भटक गया मतलब कि दो तीन स्टेशन सही गया दो तीन जगह, तो नहीं हाँ एक जगह गया चेंज जहाँ पे किया जाता है मेट्रो दूसरी जगह पे, वहाँ पे मैं दूसरी तरफ चला गया, फिर उसके बाद मैंने उतना ही चला जितना मैं फिर दूसरी तरफ चला गया था, तो मैं मेट्रो से शायद जहाँ तक कि 12 आ गया था हुडा सिटी सेंटर, क्योंकि वहीं से मुझे बस पकड़ के 15 किलोमीटर दूर गुरुग्राम में आना था, तो सर ने पूछा कि कहाँ पहुँचे कहाँ नहीं पहुँचे, तो मैं मेट्रो में था तब, तो बोले कि 11 मेट्रो बंद हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था 12 बंद हुआ था शायद, मैं 12 उतर गया था उसके बाद पता नहीं चला या बंद हो गया मुझे पता नहीं, तो उसके बाद मैंने सोचा बस पकड़ लिया जाए, क्योंकि मेट्रो हुडा सिटी सेंटर पर उतार दिया था, तो मैंने बस ढूंढा बस नहीं मिली, 11 बंद हो जाती, मैंने एक भाई से पूछा तो बोला कि 11 बस बंद हो जाती है शाम को, फिर उसके बाद नहीं चलती फिर सुबह चलती है, तो मैं बहुत परेशान हो गया भाई 15 किलोमीटर कैसे जाती रात को, फिर उसके बाद मैंने टैक्सी पकड़ा, टैक्सी के भाव बढ़ गए, बोला कि 400 लूँगा, कोई बोला 300 लूँगा, कोई बोला 250, तो एक बंदा बहुत मुश्किल से माना 150 में, तो बोला कि मैं और लोगों को बैठा लेता हूँ तभी मैं आपको ले जाऊँगा, क्योंकि मैं अकेले आपको नहीं ले जाऊँगा 150 में, तो उसने 2 वेट कराया, देन 2 ही मिले, फिर उसके बाद 3 टोटल हो गए थे हम और 2 वो, फिर उसके बाद हमको छोड़ा वो भी गली पे छोड़ दिया था, फिर उसके बाद बीच में ही कहीं, तो उसके बाद वहाँ से मैं रूम तक आया, तो 2:20 हो गए थे शायद शाम को, तो मैं अपने रूम पे पहुँच गया, बस यही था भाई, यूट्यूबर लोगों से मिलना इतना आसान बात नहीं होता है, तो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करें, हम मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ, तब तक लिए बाय बाय। ओ मेरे रांझे बता दे मेरी गड़बड़ी कर ले मुखबरी ना।